अक्षय कुमार की मूवी पैडमैन दुनिया भर में जबरदस्त कमाई कर रही है। इस मूवी की बात करें तो ये एक बायोपिक मूवी है जो कि अरुणाचलम मुरुगनाथम की जिंदगी से प्रेरित है। इस मूवी में अक्षय कुमार एक ऐसे आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो महिलाओं के मासिक धर्म यानी कि उनके पीरियड्स के बारे में जानता है और उनके लिए कुछ करने की ठानता है और वो बनाता है उनके लिए पैड्स और उसका नाम पड़ जाता है पैडमैन। अब बात करते हैं इस मूवी के कलेक्शन की, तो पहले दिन के धमाकेदार कलेक्शन के बाद ये मूवी दूसरे दिन भी धमाकेदार कलेक्शन करती रही और इसने कमाल ये दो दिन के अंदर 25 से 26 करोड़ के आसपास। अब तीसरे दिन के कलेक्शन की हम बात करें तो तीसरे दिन इसने 13.8 करोड़ कमाए, यानी तीसरे दिन की कमाई मिलाकर ये मूवी हो गई है सुपरहिट। कम बजट में बनी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कमा रही है और अक्षय कुमार हर तरह से अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं। वैसे इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि ये मूवी हुई है रिलीज़ वैलेंटाइन वीक के अंदर और वैलेंटाइन वीक के अंदर सभी कपल्स इस मूवी को देखने जा रहे हैं और सामाजिकता को उठाते हुए ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट भी साबित हो रही है और अक्षय कुमार के साथ साथ राधिका आप्टे और सोनम कपूर भी काफ़ी ज़्यादा वाहवाहियाँ बटोर रहे हैं। साथ ही बात करें इस मूवी के चौथे दिन के कलेक्शन की तो उसका प्रिडिक्शन आपको बता देते हैं। चौथे दिन भी ये मूवी लगभग 13 से 14 करोड़ रुपये आसानी से कमा जाएगी। वैसे अक्षय कुमार तो पैडमैन के इस परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश ही होंगे क्योंकि उनकी हालिया मूवी जो रिलीज़ हुई थी वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और पैडमैन भी उनकी बराबरी की ही मूवी निकली। इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा भी आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल देखो देखो, क्योंकि यही मिलती है आपको बॉलीवुड की हर अपडेट सबसे पहले।